ओपेनहाइमर की स्क्रीनिंग को एक्टर्स बाकायदा छोड़ के निकल गए क्योंकि एक्टर्स गिल्ड की स्ट्राइक अनाउंस हो गई बीच में। इंडिया में ऐसी सॉलिडेरिटी कब दिखेगी? दिखी थी। सरकार ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान सिनेमा टिकट पर दुनिया का सबसे हाई स्टेट सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया 177%। तो 10 अक्टूबर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कहा कि बस हो गया इनफ और स्ट्राइक अनाउंस कर दी। तकरीबन 200 फिल्मों की प्रोडक्शन रुक गई, 1.5 लाख लोग स्टॉप्ड वर्क। अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त दोनों एक्टिव कांग्रेस के एमपी चुने गए एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर नेगोशिएशंस। 15 करोड़ जो तकरीबन सरचार्ज लगना था वो 5 करोड़ तक लाया गया। यू नो स्टॉलवर्ट्स लाइक देवानंद कंक्लूजन से ना खुश थे एंड अकॉर्डिंग टू एन इंडिया टुडे आर्टिकल ऑफ द टाइम अमिताभ बच्चन की 2 लाख की डोनेशन टुवर्ड्स वर्कर वेलफेयर वापस कर। राजेश खन्ना इवन सेड दे माइट रिज्यूम द स्ट्राइक व्हिच प्रोबेबली नेवर हैपेंड। एक बार पता है 2008 में भी स्ट्राइक हुई थी, याद है, वर्कर यूनियंस अगेंस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स। उस टाइम की कोई अपडेट याद है तो बताओ यहाँ कमेंट्स में।